स्लिप हो गए थे, तो स्लिप होने के बाद इसमें सूजन हो गई थी, इसको दिखाया तो फिर एमआरआई कराने के बाद इसमें लिगामेंट फ्रैक्चर निकला। एमआरआई में उनके लिगामेंट में टीयर आया था जो एसीएल टीयर की तरह डायग्नोस्ड हुआ। फिर हमने उन्हें एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन के लिए उन्हें समझाया। डर तो थोड़ा था, दोबारा हम इस तरह चल पाएंगे कि नहीं, तो दोबारा हम अपने एक्टिविटीज़ जो है उसको कर पाएंगे कि नहीं। पेशेंट का कंसर्न बेसिकली ये था कि क्या वो फिर से फुटबॉल खेल सकता है, कब खेल पाएगा, और नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ वो कब से शुरू कर सकता है, जैसे स्टेयर्स क्लाइंबिंग और वॉकिंग। मैंने पेशेंट को समझाया और फिर वो तैयार हुए। क्रस्ट के में से हमने चलना शुरू किया था उसी दिन, और टॉयलेट वॉयलेट खुद ही हम जाने लगे और अपना काम भी खुद ही करने लगे थे धीरे धीरे। सर्जरी वाले दिन ही पेशेंट को हमने इंडिपेंडेंटली वॉक करना सिखा दिया कि ब्रेस के सहारे वो कैसे वॉक करेंगे, और नेक्स्ट डे ही वो हमने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा लग रहा है कि हमने सोचा नहीं था इस तरह कि इतनी जल्दी रिकवरी होगी, और रिकवरी भी सही हो रही है और दवाई भी असर हो रहा है, और बाकी खाने पीना भी सही खा पा रहे हैं, अपना काम भी खुद से कर पा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने अच्छा केयर की हमारी।